इसमें एक लिस्ट आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक लिस्ट। तो गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे वीवो का T14 में चार्जिंग एनिमेशन गाइस कैसे सेट करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में चार्जिंग एनिमेशन को सेट करना चाहते हैं, मैं आपसे गाइस बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे। आप यहाँ पे सेटिंग के जरिए अपने फोन में चार्जिंग एनिमेशन गाइस सेट कर सकते हैं। गाइस आपको जैसा भी एनिमेशन यहाँ पे सेट करना है बिल्कुल अपने फोन की सेटिंग से यहाँ पे गाइस चार्जिंग एनिमेशन गाइस सेट कर सकते हैं। आप एक चार्जिंग एनिमेशन लगा के अगर बोर हो जा रहे हो, आप उसको चार्जिंग एनिमेशन को गाइस चेंज करना चाहते हो बिल्कुल गाइस कर सकते हो। आपको देखिए हम कोई भी एप्लीकेशन से नहीं बताएंगे चार्जिंग एनिमेशन को गाइस चेंज करने के लिए, जो भी आपको बताएंगे अपने फोन की बिल्कुल सेटिंग से बताएंगे। गाइस आपको सिर्फ यहाँ पे सेटिंग करना है और सेटिंग करके अपने फोन में किसी भी चार्जिंग एनिमेशन को सेट करके यहाँ पे गाइस यूज कर सकते हैं। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते कंटिन्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको साइड में हमारा फोन मिलेगा और आपको देखिए चार्जिंग एनिमेशन को गाइस सेट करने में सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है। यहाँ देखिए गाइस हम सेटिंग को ओपन कर लिए, कुछ आपको ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ गाइस आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइस क्लिक करेंगे तो कुछ आपको फिर से यहाँ पे ऐसे ऑप्शन खुल के आएंगे और यहाँ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, आपको मिलेगा चार्जिंग एनिमेशन का ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस क्लिक करेंगे और यहाँ आपको देखिए 1 2 3 यहाँ पर तीन चार्जिंग एनिमेशन मिलेंगे जो कि मैं एप्लीकेशन से आपको नहीं बताया, ये नॉर्मल चार्जिंग एनिमेशन है। तो अगर आपको और भी एनिमेशन चाहिए तो हम एप्लीकेशन से आपको बता देंगे, और जो अगर आपको नॉर्मल एनिमेशन यहाँ पे यूज करना तो गाइस आप ऐसे एनिमेशन को यूज करके देखिए, मैं यहाँ पे एनिमेशन पर गाइस क्लिक करेंगे तो ये एनिमेशन कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ गाइस हम क्लिक करेंगे तब भी ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस उसके बाद अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई कर दिए हम देखिए गाइस, और यहाँ पे गाइस अगर हम अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे तो गाइस जो यहाँ पे एनिमेशन हम अपने फोन में अप्लाई किए गए चार्जिंग एनिमेशन हमारे डिस्प्ले पे शो होगा चार्जिंग में। तो बिल्कुल आप ऐसे सेटिंग करके अपने वीवो का T1 फोन में चार्जिंग एनिमेशन गाइस यहाँ से सेट कर सकते हैं। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।